का मध्य प्रदेश दौरे के दौरान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद दमोह पहुंचे, जहां उन्होंने जनजातीय सम्मेलन में शिरकत की। इस दौरान उनके साथ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, सीएम शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय पर्यटन एवं सांस्कृतिक राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल मौजूद रहे। सम्मेलन में जनजातीय समाज द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। राष्ट्रपति ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि जब तक समाज के सबसे कमजोर वर्ग का विकास नहीं होगा, तब तक विकास को मैं अधूरा कहूंगा। सम्मेलन को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और सीएम शिवराज ने भी संबोधित किया। वहीं राष्ट्रपति ने 26 करोड़ की लागत से सिंगौरगढ़ किले के संरक्षण कार्य का शिलान्यास किया। पर्यटन मंत्रालय द्वारा 23 करोड़ 16 लाख की लागत से बेलाताल झील के विकास कार्यों का लोकार्पण किया। दमोह में ही बेलाताल में अहिंसा के पुजारी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, राम मनोहर लोहिया और दीनदयाल की स्थापना कांस्य प्रतिमाओं का लोकार्पण किया। यहाँ पर जो स्थापित हुई है प्रतिमा, उनका लोकार्पण किया गया। इसका जो आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा क्षेत्र हो, सामाजिक दृष्टि से समाज का जो सबसे पीछे अंतिम छोर पर खड़ा हुआ व्यक्ति, अर्थात हमारे ट्राइबल्स भाई, जनजाति वर्ग, यदि उन सबके न्याय की हम बात ना कर सके तो मेरा राष्ट्रपति पद पर रहने का बहुत औचित्य नहीं बनता। कि जब हम समाज के सभी वर्गों के उनकी भावना की कद्र करते हैं, उनके विकास की बात करते हैं, तो जो समाज का सबसे पीछे खड़ा व्यक्ति है, जनजाति व्यक्ति, वो पीछे छूट जाता है। और इसलिए मैं चाहता हूं कि जनजाति ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर मिनिस्ट्री बनेगी तो उसका उद्देश्य केवल और केवल जनजातियों के विकास के लिए ही काम करना।